अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैंने एक चीज बनाई है, मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाई, आई हैव एक्चुअली कॉपीड इट फ्रॉम YouTube, क्योंकि पाकिस्तान में आया था तो मैंने देखा था कि लाहौर में गैस का बहरान चल रहा है। इसको रॉकेट स्टोव बोलते हैं, एक पाइप है अंदर लकड़ी डालने के लिए, ये यहाँ पे ऑब्वियसली आपका चूल्हा चलता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जाती है, एयर जाती है, हवा जाती है, जितनी इसमें जाएगी हवा उतना ये ज्यादा चलेगा। इसमें लकड़ियां मैंने ये छोटी छोटी गिट गिट सारी ना इतनी इतनी लकड़ियां फेंकी हुई हैं, एक निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये बस चंद चंद सूंडे आप देख सकते हो, और ये देख सकते हो अंदर किस तरह आग लग रही है, मैंने बीच में डाले हुए गैस, इसकी देख लो कितनी चल रही है, इट्स अ लॉट एफिशिएंट। यानी जो हमारे वहाँ पे क्या हो रहा है लाहौर में, लोग फ्लैटों के अंदर, मेरा तो बड़ा बड़ा बेर है, हमारे बड़े बड़े बाहर हम चूल्हे चला सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि गैस की किल्लत है अपार्टमेंट्स में यार लकड़ी जला रहे हैं, यानी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, माहौल के लिए अच्छी नहीं है। तो इसका जो मैंने इंप्रूवमेंट करना था, मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त बहुत जल्दी गुजर गया, मैंने एक घंटे के अंदर अंदर एयरपोर्ट की तरफ भागना है। अगर मैं इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट करता तो इंप्रूवमेंट मैं ये करता कि यहाँ पे नीचे मैं सुराख कर देता, ठीक है, ताकि इसकी जितनी वो जो एशेज को क्या बोलते हैं, जो सज्जी है, हम पंजाबी सज्जी बोलते हैं, एशेज है, वो नीचे गिर जाती और इसको रास्ते को तंग ना करनी करती, वरना हर दो चार हंडियों के बाद आपको इसको उल्टा करना पड़ता है ताकि जितनी सज्जी है निकल जाए। अगर आप अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड पुट यहाँ पे क्लोज्ड प्लेट लगाऊं, ठीक है, और यहाँ से एक और पाइप जो बाहर को निकलता है, एंड दैट वुड मिनिमाइज धुआं, अंदर बिल्कुल कम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, हॉट प्लेट पे सारा कुछ आपका पक जाएगा। इट्स वेरी वेरी एफिशिएंट, दिस इज रियली गुड फॉर बारबेक्यूज, दिस इज रियली गुड फॉर अगर आप पिकनिक पे जा रहे हो, बाहर आपको चाय बनानी है वगैरह। मैंने इसको पेंट नहीं किया, मैंने इसका पेंट एक पेंट का कैन लाया हुआ है जस्ट टू पेंट इट, लेकिन आई हैवंट पेंटेड इट येट। स्टार्ट मैंने किस तरह किया था, मैं घास से स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, घास से मैं स्टार्ट कर रहा था, लेकिन घास से धुआं बहुत ज्यादा होता है और मुझे जल्दी थी, एंड पे मैंने थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया था जस्ट टू गेट इट स्टार्टेड, क्योंकि मुझे जल्दी है, देख रहे हो चल रहा है। लक्कर जो है जैसे ही जलती जाती है मजीद नीचे जाती रहती है ग्रेविटी की वजह से, सेल्फ फेड। तो आप क्या करो, थोड़ी देर के बाद छोटे छोटे ये डाल दो पीस और मजीद डालते जाओ अंदर, और देखो आग बढ़ती रहेगी, जैसे मैंने इसको खोला आग ज्यादा बढ़ गई, ऑब्वियसली इट्स गेटिंग मोर ऑक्सीजन। अभी मैं मीटर लेके आता हूँ जस्ट हीट मीटर देखने के लिए कि कितनी देरी है हीट, आग अभी भी लगी है, वेंट अपस्टेयर्स, तो क्यों देखते हैं यार 250 के करीब है, आग जो निकल रही है ना इट इज तकरीबन 370 के, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, देख सकते हो कि नहीं देख सकते, 370 डिग्रीज के करीब है। ये जो लोहा है ना, ये जो इसके बाहर चूल्हा लगा हुआ है, ये तकरीबन 210 के करीब है, ठीक है, और इसमें से अगर डायरेक्ट यहाँ से हम लेते हैं शॉट, आई डोंट नो दीवार को पकड़ी है नहीं आग को पकड़ी है, ये तकरीबन 250 के कभी करीब जाती है, 240 पे अभी दिखा रही है, ओके, सो ठीक ठाक इसमें से हवा निकल रही है, बस मेरी जो लकड़ है ना वो कम पा रही है, अभी से मैंने छोटे छोटे सूंडे इस्तेमाल किए हैं। अगर आप बड़ी बड़ी बाड़ी ले लेते हो, अच्छा व्हाट आई वुड डू इज आई वुड इसको जो है ना मैं बड़ा बनाऊँ, जानबूझ के ना इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाऊँ, इसको बेशक उतना ही साइज रहने दूँ, क्योंकि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, जो जितनी जो आग है ना उसको कॉन्सेंट्रेट करने एक जगह पर लेके आना है, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन वाला इसको भी मैं शायद बड़ा बनाऊँ, क्योंकि जैसे ही मैंने खोली आग फिर बढ़ना शुरू हो चुकी है, ठीक है, सो व्हाट आई वुड डू इज लकड़ी मेरी जो है ना ये देखो बहुत आगे आई हुई थी, अब फिर अंदर डाली तो देखो फिर जलना शुरू हो गई है, ठीक है, मतलब आई होप आपको चीज पसंद आई है, मैंने फ्लाइट पकड़नी है, अपनी आंख की तरफ कभी नहीं मारते, मैं हूँ आजाद चाय वाला। इसको इम्प्रूव करिएगा यार, वी नीड इंजीनियर्स, वो पढ़े लिखे इंजीनियर्स नहीं, मुझे जाहिल इंजीनियर चाहिए जो काम करने वाले होते हैं, तो यार इसको बनाओ, इसको थोड़ा इम्प्रूव करो और बाजार में निकालो, 1000 रुपये की बनी है, अभी से आपको पता है इससे सस्ती भी बन जाएगी, बनाओ वेल्डर वाले और निकालो मखलूक को दो। मैं हूँ आजाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बंदो आप ये देख सकते हो, ये ना चंद सूंडों से चल रहा है, लुक एट दैट यार, इससे आपका पूरा का पूरा ना एक हांडी बन जाएगी इंशाल्लाह, और इसका कद देख लो, यू कैन सी, ये मैंने जो छोटी सी इसमें लिड रखी हुई है, लिड को क्या कहते हैं यार, ढक्कन सा लगाया हुआ, इसमें सूंडे देख लें, ये देखो चंद तिंके हैं और कुछ नहीं है, और इसकी देखो पावर कितनी है माशाल्लाह, इसीलिए इसको कहते हैं रॉकेट स्टोव। मैं इसमें और थोड़े से तिंके डालने वाला हूँ, बालन जो है, असल में मेरे पास लकड़ियाँ जो होनी चाहिए ना वो कम से कम इंच इंच के हो जाएं तो वो पड़ती रहेंगी अंदर, देखो ऐसे मारे ना कैमरा, मैं कांटों वाला भी डाल रहा हूँ जिससे मुझे काफ़ी लग रहे हैं, हमजा कह रहे हैं कि यार मैं बड़ा नाजुक हूँ, नाजुक नहीं हूँ इंसान हूँ, अभी अंदर दे इससे कि लिड को हम बंद कर सकते हैं, बंद कर दें तो लुक एट द पावर यार, और अभी आवाज सुनो, दिस इज व्हाट यू कॉल अ रॉकेट स्टोव, मैं जब जैसे ढक्कन बंद कर दिया, अभी यहाँ पे देश का मैं देश का दिखाता हूँ आपको, कोई रख के
नहीं दिखा नहीं सकता, यहाँ पे देश का एसेंशियली पड़ेगा। एंड ये रात का फुटेज है, टेक कर जैसे आपको दिखाने के, दिन को तो आप अभी से वीडियो देख लोगे। इतनी इसकी हीट है, इतनी हीट, यानी आई टेक अ पिक्चर फ्रॉम दैट टॉप। ये ना समझिएगा क्योंकि फ्लेम्स बाहर नहीं आ रही, इसमें आग नहीं लगी हुई, आग काफ़ी लगी हुई है। लेट मी ब्रेक दिस। इसमें ना मोटे मोटे चाहिए जो इस आग को, यानी सस्टेन का क्या होगा लव्स, यानी जारी रख सके। ये तो तिनके फेंक रहे घास जैसे हैं, ये तो थोड़ी जल रहे हैं। सारा कमाल अभी इसलिए इसके यहाँ पे, मैं इसको बंद कर देता हूँ ना तो इस जिसने आग ने मर जाना। बट देयर यू गो, कैन यू सी इट, देखो कितनी निकल रही है। एक सूंडा बीच में डाला अभी, बड़े वाला बाड़ी।